पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आज कई बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर जांच करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी से जुड़े रूट वाले सारे डॉक्यूमेंट्स पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जमा किए जाएं। सारे रिकॉर्ड सिक्योर करने के आदेश दिए गए हैं। एनआईए भी इस मामले की पड़ताल करेगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज गृह मंत्रालय की टीम एक्शन में आई है। एमएचई की 3 मेंबर वाली टीम ने फिरोजपुर में उसी जगह का दौरा किया जहां का यह वाकया है, जहां पीएम का काफिला 20 मिनट तक रुका हुआ था। और इसके बाद पंजाब के कई सीनियर ऑफिसर्स को तलब किया गया, डीजीपी एडीजीपी को बुलाया गया। फरीदकोट और मोगा के एसएसपी भी टीम के सामने पेश हुए हैं। एमएचए की टीम ने बठिंडा के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस सर्व किया है और एफओ स्टेशन पर पूछताछ भी की है। टीवी 9 भारतवर्ष को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि होम मिनिस्ट्री की टीम ने तीनों एसएसपी, फिरोजपुर के कंट्रोल रूम इंचार्ज समेत दूसरे ऑफिसर से मोबाइल लोकेशन से लेकर ड्यूटी रिकॉर्ड तक की मांग की है। इससे अंदाजा लगेगा कि प्रधानमंत्री के काफिले के वक्त ऑफिसर्स की रियल टाइम लोकेशन क्या थी। पंजाब सरकार का कहना है कि पीएम ने ऐन वक्त पर रूट में तब्दीली की, इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष को पता चला है कि पंजाब के डीजीपी और एसपीजी अधिकारियों के बीच 5 जनवरी को पीएम मोदी के रूट को लेकर कम से कम 10 बार बातचीत हुई थी। ये कॉल उसी दौरान किए गए जब प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर फंसे हुए थे। और इस सबके बीच पंजाब सरकार अब दिखावे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पीएम मोदी की सिक्योरिटी लैप्स के मामले में पंजाब के फिरोजपुर में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इन पर धरना देकर ट्रैफिक बंद करने, रास्ता रोकने वाली धारा 283 लगाई गई है। यह ऐसी धारा है जिसमें ₹200 जुर्माना देकर थाने से ही रिहाई हो सकती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोककर उनकी हत्या की साजिश रची गई। ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से पीएम की हत्या हो सकती थी। कैबिनेट मंत्री ने फ्लाईओवर को मौत का कुआं बता दिया और कहा कि पीएम तो महादेव की कृपा से बच गए। इन सारे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की जांच से लेकर एमएचए की टीम विजिट को लेकर आज हमने पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। चन्नी को दिल्ली से किसका फोन आया? पंजाब के सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर क्या कुछ कहा? उनका वर्जन क्या है? यह पूरा इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको आज कुछ नए और एक्सप्लोसिव वीडियो एविडेंसेस देंगे। यह वीडियो 5 जनवरी के ही हैं, उसी फ्लाईओवर के जहां पर पीएम मोदी का काफिला रुका रहा था। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर चूक कैसे हुई, इसकी सबसे नई तस्वीर, सबसे नया वीडियो सामने आया है। करीब 2 मिनट का वीडियो 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी के फ्लाईओवर पर रुके रहने की कहानी बयां करता है। वीडियो के एक एक फ्रेम पर गौर करना जरूरी है। शुरुआत के 10 सेकंड में पंजाब पुलिस के जवान दिखते हैं। पंजाब पुलिस के जवान पास खड़ी बस में मौजूद शख्स से बात कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान एसपीजी का एक कमांडो फ्रेम में नजर आता है। उसके हाथ में FNP-90 बेल्जियम मेड सबमशीन गन थी। ये मशीन गन प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लगे एसपीजी कमांडोस के पास तैनात रहती है। अगले 10 सेकंड में पीएम मोदी की ब्लैक एसयूवी पहली बार दिखती है। इस एसयूवी को कम से कम 5 एसपीजी कमांडो एस्कॉर्ट कर रहे थे। पीएम मोदी एसयूवी की फ्रंट सीट पर दिखाई दी। इसके बाद एसपीजी हरकत में आई, मूवमेंट शुरू हुआ।
फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला क्यों रुका था, ये सब वीडियो के 24वें सेकंड में नजर आ गया। जिस जगह पंजाब पुलिस के जवान मौजूद थे उसके थोड़ा ही आगे कुछ प्रदर्शनकारी दिखाई दिए। इनके हाथ में कुछ झंडे भी थे, लेकिन वीडियो देखकर ऐसा लगा जैसे रास्ता क्लियर करने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं की गई। काफी देर तक पंजाब पुलिस के जवान और प्रदर्शनकारी इसी तरह आमने सामने थे। इस वीडियो के 32वें सेकंड में कैमरा जब और जूम हुआ तो साफ साफ दिखाई दिया कि ये मुट्ठी भर प्रदर्शनकारी नहीं थे, इनकी संख्या काफी ज्यादा थी। धीरे धीरे जब कैमरे का फ्रेम खुला तो काफी चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो गई। पंजाब पुलिस के जिन जवानों के पास पीएम मोदी की आउटर लेयर की सिक्योरिटी का जिम्मा था, वो अपनी गाड़ियों के बाहर खड़े हुए थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब पीएम मोदी का कॉन्वॉय मूव होता है तो दोनों तरफ का रास्ता क्लियर होता है, लेकिन वीडियो को गौर से देखने के बाद पता चला कि फ्लाईओवर पर आगे की तरफ, यानी जिस जगह पीएम मोदी को हुसैनीवाला के लिए आगे बढ़ना था, वहां दोनों तरफ प्रदर्शनकारियों का ग्रुप मौजूद था। सोचिए, इसी तरह की सिचुएशन काफी देर तक रही। इसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया। वीडियो के 50वें सेकंड में एक बार फिर कैमरे का फ्रेम पीएम मोदी के तरफ घूमा। प्रधानमंत्री मोदी की ब्लैक एसयूवी फिर से नजर आई। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने एसयूवी के ड्राइवर की तरफ इशारा किया। इसके बाद उन्होंने बाहर खड़े एसपीजी कमांडो की तरफ इशारा किया, उसे अंदर बुलाया। इतने में दूसरी तरफ मशीन गन लिए एसपीजी कमांडो आगे की तरफ बढ़ा। कुछ सेकंड बाद प्रधानमंत्री की ब्लैक एसयूवी का दरवाजा फिर से खुला, कमांडो बाहर निकला और उसने फिर अपने दूसरे साथियों के साथ पूरी सिचुएशन को एसेस किया, बातचीत की। इसके बाद क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। प्रधानमंत्री बठिंडा से हुसैनीवाला के लिए जिस रोड रूट पर आगे बढ़ रहे थे, रोड क्लियरेंस नहीं होने के चलते उसी रूट से उन्हें वापस लौटना पड़ गया। पीएम के काफिले ने यू टर्न ले लिया। हालांकि पीएम की सिक्योरिटी में लापरवाही को लेकर, सुरक्षा में चूक को लेकर आज कांग्रेस की तरफ से भी एक वीडियो पोस्ट किया गया। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि ये वीडियो भी 5 जनवरी का है, उसी फ्लाईओवर का जहां पीएम का काफिला फंस गया था। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि जब पीएम के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं होती तो फिर बीजेपी का झंडा उठाए कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी की कार के इतने नजदीक कैसे आ गए और फिर नारेबाजी भी करने लगे। कांग्रेस की तरफ से इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल उठाए गए। पूछा गया कि क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी में लैप्स नहीं है, क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं है। हालांकि जब इस वीडियो को गौर से देखा तो ऐसा लगा कि जैसे इसी वीडियो का दूसरा एंगल पहले से ही सोशल मीडिया समेत तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। आपको याद होगा 5 जनवरी को ये वीडियो काफी सर्कुलेट हुआ था, जब पीएम मोदी का काफिला यू टर्न लेने के लिए फ्लाईओवर पर थोड़ा आगे बढ़ा। उस वक्त सामने एक बस खड़ी थी, तब भी एक शख्स के हाथ में बीजेपी का झंडा दिखाई दिया और वहां मौजूद लोग नारेबाजी करते भी सुनाई दिए। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही सही, लेकिन ये पीएम की कार के इतने नजदीक कैसे पहुंच गए। उस वक्त पीएम की इनर लेयर सिक्योरिटी के तौर पर एसपीजी का घेरा तो मौजूद था, लेकिन आसपास पंजाब पुलिस की सुरक्षा क्यों नहीं थी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।